बीजेपी की झूठी सरकार है, झूठ बोलती है बहुत ज्यादा। भाई कांग्रेस को देंगे सब। बीजेपी ने बहुत महंगाई कर दी। सड़कों पर वोट मांगने का काम भी बीजेपी का ही है अधिकतर। सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। 2019 के चुनाव, हालांकि 2019 से पहले अभी पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिनमें से तीन में चुनाव हो चुके हैं और इसे 2019 का एक सेमी फिनाले जिसे कहते हैं सेमीफाइनल माना जा रहा है। और 2019 का जो फाइनल होगा वो बीजेपी कांग्रेस या फिर महागठबंधन किसकी सरकार आएगी ये जानिए या कि जनता से। आप बताइए काका आप बताइए 2019 में किसको वोट देने वाले हो? कांग्रेस को क्यों जिताना चाहते हो भाई? बढ़िया है। बीजेपी क्यों नहीं बढ़िया? बीजेपी इसने नोटबंदी कर देते, कभी कुछ बंदी कर देते, कभी कुछ बंदी कर देते। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? नहीं देना। क्या किया क्या है बीजेपी? नहीं देने नहीं बीजेपी को, कुछ नहीं किया। कह रहे भूखमरी कह रहे नोटबंदी से, हर चीज से परेशान है, हर चीज से परेशान। तो आप 2019 में किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे खुल्लम खुल्ला भाई। तो कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं है? कांग्रेस क्यों? बीजेपी की झूठी सरकार है, झूठ बोलती है बहुत ज्यादा, हर बात झूठ है उनकी, कोई बात सच नहीं है। तो बीजेपी को यहाँ पे आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनसे खफा है कि उनकी सरकार ने झूठे वादे किए हैं। जुमले की सरकार कह रहे हो आप? जुमले की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, 100% झूठ बोल रही है। तो राहुल गांधी में ऐसा क्या दिखता है आप? राहुल गांधी एक खानदानी रईस हैं और खानदानी नेता हैं, वो करेंगे, उनकी पार्टी भी अच्छा काम करेगी इंशाअल्लाह, हमें यकीन है अल्लाह अच्छा करेगा काम उनका। भाई कांग्रेस को देंगे सब दबा के, मुसलमान तो सब कांग्रेस को ही देंगे। तो इस समय सारा रुझान कांग्रेस की तरफ है लोगों का। अच्छा, तो इस समय आप देख सकते हैं कि 2019 का जो एक पलड़ा है, एक मुसलमान का जो वर्ग है वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है, तो बीजेपी को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बीजेपी है जुमले वाली सरकार है, कोट बूट वाली सरकार है, वो तो विदेशी यात्रा में सारे खर्च कर दिए, गरीबों के प्रति कुछ काम नहीं किए, झूठे वादे दिए, बेरोजगारी ज्यादा पैदा किए और रोजगार किसी को न दिए। करीब 200 करोड़ रोजगार की वादा किए थे, वो किसी ने किया ही नहीं, 2 करोड़ रोजगार की वो कर ही नहीं पाए बीजेपी। तो चाहे रोजगार की बात हो चाहे कोई और वादा हो, बीजेपी यहाँ पर वो पूरा करती हुई नहीं नजर आ रही है। कोई प्रश्न एक जो आप नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे? रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, जो प्लान कर रहे हैं और वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की वादा कर चुके हैं, विकास का ये वादा कर चुके हैं, विकास भी नहीं हो पा रहा है। क्या क्या आपको मोदी जी से कोई सवाल पूछना है? मोदी जी से क्या सवाल पूछेंगे, मोदी जी तो खुद एक सवाल बन कर रह गए। मोदी जी खुद एक सवाल बनकर रह गए हैं। तो भैया आप बताइए किसको वोट देंगे 2019 में? भैया देखेंगे जो अच्छी पार्टी लगेगी उसी को देंगे। तो कौन सी अच्छी पार्टी लग रही है आपको इस समय? मोदी सही है। मोदी जी सही है? राहुल गांधी सही नहीं है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हो? अच्छा, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट देंगे जी, तो बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस का काम किया है उसी उसी दे। आपको बीजेपी की सरकार में कुछ खोट नजर आई? हाँ, क्या खोट नजर आई? बहुत घटिया है वो, बहुत घटिया है वो। 2019 में किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? बीजेपी ने बहुत महंगाई कर दी। महंगाई की है बीजेपी ने और परेशान भी लोगों को करते हैं, खासकर मुसलमानों को करते हैं। अच्छा तो मुस्लिम लोग इसलिए जरूर खफा है यहाँ पर कि उनका कहना है कहीं ना कहीं एक दोबारा से माहौल बनाया जा रहा है डर का। हाँ जी। तो आपको लगता है एक जो अयोध्या में जो दोबारा से, क्या आपको लगता है ऐसा माहौल 1992 वाला बनाया जा रहा है जब वहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं? तो बिल्कुल 1992 से भी ज्यादा खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। आपस में भाईचारा नहीं रहा बिल्कुल भी, किसी तरीके का माहौल नहीं रहा बिल्कुल भी, सारे माहौल बिगाड़ के रख दिए। मोदी जी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, कहना नहीं चाहना, संदेश दे रहा हूँ कि मोदी जी आपस में भाईचारा रखे और यही ताकीद करे सबको कि भाईचारा बना रहे। तो आप बताइए आप 2019 में किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो बीजेपी को दे रहा हूँ जी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे
कहीं नेगेटिव थॉट भी हो, किसी के पॉजिटिव थॉट भी हैं, बट मेरे हिसाब से पॉजिटिव थॉट बहुत सारे उसने अच्छे काम भी किए हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देता। तो सर ये बताइए 2019 के जो चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ, या महागठबंधन जो आने की तैयारी है? वो सब जगह का अलग अलग हिसाब है, ये नहीं है कि कांग्रेस ही जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, ओवर एज है उनकी काफ़ी, लेकिन जितनी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतने देश के युवा के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। देश के युवा के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं की जा रही, रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे बेकार पड़े हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के अच्छे आजकल इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, उनके दिल टूट रहे हैं। आप एक पिता के दर्द को छलकते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिन्होंने अपनी कमाई के खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया है, आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी बस यही मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, थोड़ा अपने अपने देश के बारे में, किसानों के बारे में और बच्चों के बारे में ध्यान करें, और आपस में इतना एक दूसरे पे ना करें, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, किसी के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, हमें अपने देश को कैसे लेके चलना है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सही है, भी बच्चा है, उसको क्या विचार को पता है? राहुल गांधी बच्चे नहीं है, 50 साल के हो चुके हैं। हाँ 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी बराबर तो उनको तजर्बा नहीं है। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह सही थे, बहुत अच्छे हैं। तो मनमोहन सिंह को ये ज्यादा तवज्जो देते हैं कि अगर मनमोहन सिंह दोबारा से कांग्रेस हो सकते हैं, मनमोहन सिंह को दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार लगता है इस बार रुझान की? अभी तो बता नहीं सकता। हाँ उस टाइम जो हवा चलता है ना, उस टाइम कोई गारंटी रहता नहीं है किधर पलटी मार जाए। आप किसको देंगे वोट? अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, जब उसका तरफ जाएगा। मोदी जी के 4.5 साल के जो उन्होंने इनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम किया उन्होंने 4.5 साल? जो भी यार अच्छा ही काम करके जा रहा है, आज जो आएगा वो भी अच्छा ही करेगा। जो पुराने काम रुके हुए थे वही तो पूरे किए उन्होंने, नया क्या क्या बताइए। पुराने काम जो कांग्रेस के अधूरे काम थे सिर्फ उन्होंने वही पूरे किए हैं, तो उन्होंने आगे कोई नया काम नहीं किया। बताएं ये हमने एक रोड बनवा दिया वो वाला। तो कई लोग नोटबंदी पे उन्होंने अपनी बड़ी वाहवाही कराई, आपका क्या कहना है? वाहवाही तो करवाई, अपना एक हर आदमी थोड़ा कुछ ना कुछ अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता है, अपना यह चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, लेकिन उन्होंने 2000 का नोट बना के क्या अकलमंदी करी है, 1000 का खत्म करवा के 2000 का बनवा दिया। तो भाई साहब आप बताइए 2019 में किसको वोट देंगे आप? भाई साहब कांग्रेस को हम वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं बीजेपी से। बीजेपी को 4.5 साल हो गए आप सत्ता में आए, कोई आपको उपलब्धि दिखी बीजेपी की? जी बहुत परेशानी दिखी, बहुत दिखी। कहां तक हम शेयर करें आपसे? बोलिए कोई दिक्कत है? ये सीधा मोदी जी के पास जाएगी, उनके लिए कोई संदेश है? जी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे गाँव में कोटा सही से नहीं बैठ पा रहा है, हर यूनिट पे एक किलो कम कर दिया, जबकि 5 किलो है एक यूनिट पे, तो 10 किलो 2 यूनिट पे मिलना चाहिए, तो 8 किलो मिल पा रहा है, तो बहुत ही परेशानी है, खास करके कोटे की परेशानी है, और रोड नहीं बन पा रहा है हमारे गांव का, कोई रोड बना है जो मेन रोड है वो बना है, रोड नहीं बन पा रहा है, जो सूर्यनगर दुल्हापुर को जा रहा है, सूर्यनगर से जसपुर को जा रहा है, बीच में दुल्हापुर पड़ता है, तो वहां पर रोड नहीं बन पा रहा है, वो रोड नहीं बना है। तो यहां पर लोगों में सरासर काफ़ी गुस्सा दिख रहा है, और ये नेताओं को भी जानना चाहिए कि अब ये मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़े और विकास पर ध्यान दें, क्योंकि मेन मुद्दा है विकास। राहुल गांधी नए चेहरे हैं, उनके पास कोई पुराना अनुभव नहीं है प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, फिर भी सर एक बार हमने उनको मोदी जी को एक बार चांस दिया है, एक बार उसको उनको भी देना चाहते हैं। मोदी जी की कार्यशैली कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या खामियां थी? खामियां सारी है नोटबंदी, GST, और जिससे कि मतलब बेरोजगारी इतनी बहुत ज्यादा फैली है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है। और जो धर्म के नाम पर आजकल नेता जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना? हाँ जी, धर्म के ऊपर तो ज्यादा ही कुछ रोटियां सिक रही हैं आजकल जी। हाँ धर्म के ऊपर वोट मांगने का काम भी बीजेपी का ही है अधिकतर जी। तो धर्म के ऊपर नहीं, कांग्रेस धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि क्या क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे, हमसे तो अच्छी परिंदों की दाद, जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे।